मारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा मुहिम के तहत करनाल भाजपा शहरी मंडल की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता एवं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विशेष प्रतिनिधि विधानसभा करनाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मेयर रेणु बाला गुप्ता ने कहा कि हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा मुहिम के तहत पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर वातावरण को साफ स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पौधे हमें छाया और फल देते हैं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और दूसरों को भी लगाने के लिए प्रेरित करें। यहां हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा हरा भरा हरियाणा कार्यक्रम के तहत प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के दिशा निर्देशों पर पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके चलते आज शहरी मंडल की ओर से 50 पौधे लगाए गए एवं उनको संरक्षण देने की बात भी कही गई। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। जिस प्रकार से पूरे हरियाणा के अंदर एक मुहिम चली हुई है कि हमने पूरे हरियाणा के अंदर इसके हरे पेड़ों के साथ पूरे पर्यावरण को साफ और सुथरा बनाना है, आज उसी के तहत ये मुहिम के अंदर हमारे संजय बटला जी, हमारी बहन रेणु बाला गुप्ता जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष वर्मा जी, यही ऐसी पार्टी है जो हर जनता के साथ साथ पर्यावरण के अंदर भी अपना ध्यान रखती है कि हरियाणा की जनता को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, हर बीमारी से दूर रहे। अगर हमारे हर घरों के अंदर हरे पेड़ रहेंगे, हमारा पोल्यूशन कम होगा और हम बीमार उतने कम होंगे। एक ऐसी ही पार्टी है ये जिन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज के पावन दिवस पर यहाँ शहरी मंडल में एक पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में पौधारोपण के कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा के अभियान के साथ इसको शुरू किया गया और मुझे गर्व होता है कि करनाल में ये 5100 पौधे लगने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ पौधे लगाने के साथ साथ लोगों ने जिम्मेदारी ली है कि उन पौधों का संरक्षण भी करेंगे, उनका संवर्धन भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में ये पौधे हमें छाया दे सके, हमें फल दे सके। और आज शहरी मंडल के इस 14 वार्ड में भाई जसपाल वर्मा जी के अध्यक्षता में ये कार्यक्रम किया गया। हमारे भाई संजय बटला जी भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं कहूँ इस वार्ड के परिवार के सभी सदस्य एक भावना के साथ कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म को हमने सार्थक करना है, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे हमें पौधारोपण हो, हर सोच के साथ आगे बढ़ना है ताकि हम इस वैश्विक महामारी से सुरक्षित रहते हुए पर्यावरण को भी बचा सकें और अच्छे सोच के साथ अपने विकास के साथ साथ अपने सौंदर्यकरण के साथ साथ शहर को एक गति दे सकें। मैं पुनः सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कुछ लोगों की समस्या भी नहीं आती? हाँ, लोगों की समस्या अभी तो आपने आज देखी है, ये समस्याएं तो इतनी बड़ी समस्याएं थी, शायद आज आप गाड़ियों से यहाँ पर आए हैं, शायद पैदल भी आना संभव नहीं हो पाएगा था। ये परिवार के सभी सदस्य खड़े हैं, यहाँ बहुत कच्ची गलियाँ होती थी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने इस हांसी रोड को एक आदर्श कॉलोनी बनाने का जो काम किया और इसमें सारी गलियाँ अब पक्की है। निश्चित तौर पर जब ये सारे काम होते हैं तो कुछ छोटी मोटी समस्याएँ बाकी रह जाती हैं, पर आने वाले समय में सबको विश्वास दिलाती हूँ, चाहे नाले की है, चाहे यहाँ और कोई गली की बाकी हुई बची हुई समस्या, उनको भी हम दूर करने का प्रयास करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।